वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबा कर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। कभी सोने की लंका कहे जाने वाले देश श्रीलंका में एक बार फिर से आग लगी हुई है। खाने पीने की चीजों की कीमतों में आग, पेट्रोल डीजल की कीमतों में आग, बिजली सप्लाई की हालत में आग और अर्थव्यवस्था की हालत में आग। ऐसे में ताजुब नहीं है कि बदहाल जनता सड़कों पर उतर आए, सरकार विरोधी प्रदर्शन करना शुरू कर दे और अगर इतने सब से भी गुस्सा शांत ना हो तो राष्ट्रपति के घर के बाहर आग लगाकर अपनी नाराजगी का इजहार कर दे। पड़ोसी मुल्क श्रीलंका में इन दिनों ऐसा ही कुछ हो रहा है। श्रीलंका में आर्थिक संकट के कारण हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सैकड़ों लोगों की भीड़ ने कोलंबो में राष्ट्रपति गोतबाया राजपक्षे के निवास में घुसने की कोशिश की। पुलिस ने उन्हें काबू में करने के लिए गोलियां चलाई जिसमें 10 लोग घायल हो गए। दरअसल बेकाबू महंगाई व आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। बेकाबू महंगाई व किल्लत से निपटने के प्रति श्रीलंका सरकार के रवैयों को लेकर विरोध प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। देश में आजादी के बाद से सबसे खराब हालत बताए जा रहे हैं। कोलंबो में गुरुवार की रात हालात बिगड़ने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था, हालांकि शुक्रवार सुबह इसे हटा दिया गया। राष्ट्रपति निवास के आसपास के इलाकों में आगजनी के बाद वाहन का मलबा पड़ा नजर आया। श्रीलंका में ईंधन की भारी किल्लत हो गई है। पेट्रोल पंपों पर डीजल नहीं मिलने के कारण सार्वजनिक बसों व अन्य वाहनों की आवाजाही ठप हो गई है। देश के 2/3 बसों व वाहनों का संचालन निजी क्षेत्र द्वारा किया जाता है। इनके संचालकों का कहना है कि आज से तो छुटपुट बसें भी नहीं चल सकेंगी। श्रीलंका की सरकारी बिजली कंपनी ने जनरेटरों के लिए बिजली नहीं मिलने से 12 घंटे की कटौती शुरू कर दी है। ये देश के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी कटौती है। 20 विद्युत जोनों में 4 घंटे बारी बारी से और कुल 12 घंटे की कटौती का ऐलान किया गया है। श्रीलंका में महंगाई व आवश्यक वस्तुओं की किल्लत के कारण लोगों का जीना मुहाल हो गया है। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 254 रुपए है, जबकि 1 लीटर दूध 263 रुपए में बिक रहा है। लोगों को एक ब्रेड का पैकेट भी 150 रुपए में खरीदना पड़ रहा है। यही नहीं, 1 किलोग्राम चावल और शक्कर की कीमत 290 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुँच गई है। चीन सहित कई देशों के कर्ज तले दबे श्रीलंका का जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 70% से ज्यादा घटकर 2.36 अरब डॉलर रह गया था, जिसमें लगातार गिरावट आती जा रही है। विदेशी मुद्रा की कमी के चलते ही देश में ज्यादातर जरूरी सामानों, दवा, पेट्रोल डीजल का विदेशों से आयात नहीं हो पा रहा है। श्रीलंका संकट पर आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट सेक्शन पर बताइए और देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।